निगार के पास आती है और निगार को आकर कहती है कि आंटी मुझे नहीं लग रहा कि ये लड़की यहाँ रहने के काबिल है क्योंकि जैसे ही कोई हमारे घर में आता है ये इसे मिलवाया जाता है तो हमें काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है जिस पर निगार कहती है कि मैं तो पहले दिन से ही बात कर रही हूँ कि ये लड़की यहाँ पर रहने के लायक नहीं लेकिन पता नहीं क्यों उन सावयार को समझ नहीं आ रही और वो इस बात को टाल मटोल कर रहा है और इसको लम्बा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब देखेंगे कि वो कहती है कि आप जावियार को तो छोड़िए तरफ कभी ध्यान दीजिएगा हर मामले में उसकी टांग अड़ाता है और हर मामले में उसका साथ देने की कोशिश करता है और मैं तो इनकी क्या क्या बातें बताऊं जो मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है कि ये नया बहुत ही चाल लड़की है इससे जावियार तो हैंडल हो नहीं रहा तो इसने समझा जुनेद जो कि बोला बाला है वो इसको अपने एंटर कर लेगी लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं इसको ऐसे खींच के रखूंगी और इसको वो जलील करूँगी और दूसरी तरफ मैं जुनेद के भी कान खींचती हूँ कि आखिर इसने क्या तमाशा पक्का रखा है क्यों इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप मेरी तरफ़ से कोई बात मत कीजिएगा फ़िलहाल जाव्यार से तो ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा लेकिन उसे पता है कि निकार अब इस मामले पर बहस करने वाले

जो भी रुकावट होगी, मैं इसको निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। तुम फिकर मत करो। नहीं आप किस चीज़ का दिखावा कर रही हो इस कर में? इस कर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, और चाहते हुए भी तुम अपनी जगह इधर नहीं बना सकती हो। देखो अगर कोई फर्क उधर आ जाता असल बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि तुम जुनेद की बातों में लग के अपने आप को बड़ी महारानी तस्वर करने लग जाओ तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है जिस पर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये लड़की बिल्कुल नहीं बदलने वाली और पता नहीं क्या क्या करेगी आप इसके हाथ से सारे इख्तियार ले लीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मामला ठीक है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत होने जा रहा है यानी कि तानिया बुरे तरीके से दिमाग भर रही है अपनी का और कहती है कि बात कीजिए दादी जान से कि सारे اختیارات उससे ले लिए जाएं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मामला ठीक है जिस पर आप देखेंगे कि नयब कहती है कि मैंने कौन से आप लोगों के اختیارات को छेड़ा है मैंने तो कभी किसी चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाया है अरे एक बात की थी सीधी सी लेकिन आप लोगों ने तो उस बात का तमाशा ही बना के रख दिया ऐसी तो कोई बात है ही नहीं थी लेकिन आप देखेंगे कि वो मानने को तैयार ही नहीं जावियार कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है लेकिन इतनी पुरानी हमारी मुलाजमत झूठ कैसे बोल सकती है तुमने ज़रूर कुछ किया होगा मुझे पहले दिन से ही शक था कि तुम ये हरकतें करोगी और देखो आज वही हुआ है तुमने वही कर दिखाया जिस चीज़ का हमें डर था जिस पर वो कहती है मेरा यकीन माने लोगों की बातों में आके आप अपने आप को इस तरह से क्यों खराब कर रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं किया आपको मेरी इस बात पर यकीन करना होगा लेकिन निगार कहती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी ही बात पर यकीन करेगा देखो तुम्हारी हसीयत नहीं है इस घर में रहने की और इसीलिए समझाती थी इस किस्म की लड़कियां इसी तरह के काम करते हैं लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बात समझ देखो नहीं नहीं है। इन सब चलाकियों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला ये बात तो तय है कि आप जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन ऐसा वैसा, वैसा कुछ नहीं होगा जो उसकी हसीयत है वो उसकी हसीयत ही रहने वाली है खैर आप देखेंगे कि नयाब काफी ज्यादा परेशान है जिस पर उसकी अपनी दादी उसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ यह सुनकर इतना भी दीद नहीं तुम्हारी इस काफी है। ये क्या आपको समझते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं जिस पर वो कहती आप फिक्र मत करें सब ठीक हो जाएगा और भाभी को भी समझाइएगा कि दिल में ऐसी कोई भी बात ना रखेगा खैर आप देखेंगे कि हर तरीके से नया आप हर चीज को हैंडल करने की कोशिश करती है लेकिन बेसूत कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है जो वो अच्छा करने की कोशिश करती है उसके बरक्स हो जाता है और उल्ट हो जाता है इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है लेकिन घर में उसकी दादी की तबीयत दिन दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही और ख़राब होती जा रही है जाहिर सी बात है हर वक्त वो नयाब की टेंशन ले लेके पागल हो रही है और बार बार यही कह रही है कि अगर मैंने उसकी तरबियत में थोड़ा चलाकपन ले आती तो ऐसा ना होता आज जिस तरह वो धक्के खा रही है ऐसे नहीं होना था खैर आप देखेंगे कि नयाप जो है वो दादी से कहती है कि सारे ठीक ही तो कह रहे हैं आप सारी जिम्मेदारियां हर चीज़ अपने होल्ड में रखें या फिर तानिया को दे दीजिए वो वाकई में मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी आगे से वो कहती है कि ये बात तुमने तय नहीं करनी है ये बात मैंने तय करनी और मैंने कर ली है जो जिसका हक है उसको ज़रूर मिलेगा देखो किसी के साथ इधर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं यानी कि पूरे तरीके से उसको तसल्ली दी जा रही है कि तुम तो इन सब बातों की टेंशन ना लो हालांकि बीच जानती हैं कि सारा कुछ वो लोगों के कहने पर करी है यानी कि दिन दिन ब दिन जो उसके बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं उसको देख कर, उसके मद्देनज़र वो ये सारी बातें कर रही है लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो ये लोगों का काम है बोलना और ये लोग बोलते रहेंगे इसलिए मजीद इन सब लोगों की टेंशन नहीं लेनी है खैर आप देखेंगे कि जुवेरिया कहती है कि इस बात का बदला तो मैं ले कर ही रहूंगी इससे इसने जो जो कुछ मेरे साथ किया है इन सब चीज़ों में इसकी गलती है लेकिन जावैद कहता है कि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ था उसकी वजह ये बेचारी नायाब नहीं थी बल्कि तुम खुद थी आगे से आप देखेंगे कि वो अपने भाई से उलझ पड़ती और कहती है कि आखिर आप भी उसकी जुबान बोलने लग चुके हैं ये बात तो तय है और ये बात हमें समझ आ रही है लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे खुद नायर आंटी की बात हुई है उन्होंने मुझसे खुद सारी बात की है इसलिए किसी पर बिला वजा तहमत लगाने से बेहतर है कि अपनी जुबान को बंद रखा जाए और मज़ीद इस तरह की कोई भी बात आइंदा से तुम नहीं करोगी चाहे जो कुछ भी है उसका एक हक है इस घर में और तुम्हें ये बात समझनी होगी आप लोग इस बात को समझने की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग अच्छे रस्ते पर अच्छे ट्रैक पर चलता है साथ ही तानिया और निकार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि सारा मामला उल्ट हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आती किसी को खैर आप देखेंगे कि दादी समझाती है नायाब को कि नहीं आप तुम परेशान मत हो देख लेना तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी चाहे ये लोग लाख कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला ये बात तो तय है लेकिन आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो मामला जा रहे हैं उनकी वजह से बेचारी नयाब काफ़ी परेशान है और वह समझ रही है कि बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना क्योंकि उसको ख़ुद समझ नहीं आ रही है लेकिन वो इस चीज़ को ले कर चलती है और सबकी बातों पर यकीन करती है यानी कि जैसे जुनेद उसको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करके उसका बता रहा है कि तुम्हें थोड़ी चलाखी और होशियारी दिखानी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में मदद कर रहा है ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है लेकिन दूसरी तरफ दादी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इसको सेफ किया जाए और इसको थोड़ा होशियार बनाने की कोशिश की जाए